पठानकोट एयरबेस में फिर हुआ धमाका। धमाके में एक जवान घायल। सूत्रों के हवाले से खबर, आतंकियों के शव निकालते वक्त ग्रेनेड फटने से हुआ हादसा। एयरबेस में चल रहा है सर्च ऑपरेशन। पठानकोट आतंकी हमले के बाद पंजाब और हरियाणा में अलर्ट। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा। हर आने जाने वाले पर रखी जा रही है पैनी नजर। पठानकोट आतंकी हमले में शहीद हुए इंटरनेशनल शूटर कैप्टन फतेह सिंह। 1995 में पहली राष्ट्रमंडल निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत को दिलाए थे दो पदक। शहीद हवलदार कुलवंत सिंह के गांव में भी शोक का माहौल। गुरदासपुर के रहने वाले थे दोनों सपूत। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आज गुरदासपुर जिले के कादिया विधानसभा में करेंगे संगत दर्शन। 15 वार्डों के अलावा आसपास के 10 गांव के लोगों की सुनेंगे समस्याएं। कादिया के लोगों को सीएम से काफी उम्मीदें। एजीपीसी के बर्खास्तगी के आदेश के बाद पंच प्यारों ने की बैठक। सिख कौम से की जत्थेदारों के सामाजिक बॉयकॉट की अपील। कहा अकाल तख्त साहिब से लिए जा रहे हैं गलत फैसले, ऐसे में सिख कौम खुद निकाले हल। हिमाचल प्रदेश में आज पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण का दूसरा दौर। 5796 पोलिंग बूथ पर 790 पंचायतों में डाले जाएंगे वोट। सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक होगी वोटिंग। पंजाब में क्या है नशे के हालात। हरियाणा हिमाचल में क्यों पैर पसार रहा है नशा। नशे से निपटने के लिए कैसी है सरकार की तैयारी। कैसे है नशा मुक्ति केंद्रों के हालात, बताएगा हमारा मिशन ड्रग फ्री इंडिया आज दिन भर।